आवाज। ठीक है बेटा आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है हमने स्टार्ट नहीं किया था ना अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट नहीं किया था ना हमने क्या कह रहे हो बेटा कर दिया था स्टार्ट या नहीं किया था नो सर अभी नहीं किया था चलो ठीक है बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको डाउट हुआ ना रेस कर लेना मैं म्यूट कर रहा हूँ ठीक है देखो बेटा ये हमारी यूनिट थ्री यूनिट टू मैंने बीच में छोड़ दी दिया तो मतलब जो हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ठीक है उसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स तो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उसको हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया एक होता है एप्सल्यूट इंस्ट्रूमेंट एक होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ठीक है एप्सोल्यूट क्या होता है एपसोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जैसे मैंने कोई डिवाइस है उस डिवाइस के अंदर ही ऐसी कुछ चीज है जो हमें उसको इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू मेजर करके बता रही है तो उसे कहते हैं एप्सोल्यूट ऐसी कोई डिवाइस है जिसको हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ अलग से कनेक्ट कर रहे हैं जैसे ये एक सर्किट था ठीक है इसी तो इसी में इसी में इसी में अगर हमें वैल्यू मिल रही है

क्योंकि जब भी इनको हर टाइम हमें क्या देंगे एक अलग अलग वैल्यू देते हैं ठीक है हर बार एक अलग अलग वैल्यू हमें देते हैं ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या है एप्सुलूट इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल है टेंजेंट गैलोमीटर जो कि डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली फिटेड होता है पहले सेकेंड इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ये दो सिंपल एग्जाम्पल है जैसे मैंने एक एमीटर लगा दिया ये सर्किट था ना कोई भी ये सर्किट सर्किट मैंने एक एमीटर लगा दिया टू मेजर द करंट ऑफ दिस तो एमीटर हम लोग क्या लगा रहे हैं एक्सटर्नल लगा रहे हैं ना बाद में तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ ये सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है अब हमें हमारे सिलेबस में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट खाली डेफिनेशन पढ़नी थी हमें बेसिक जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट तो अब हमें क्या पढ़ना है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ठीक है बेटा तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ना चार टाइप में फर्दर डिवाइड है फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सेकेंड टाइप है रिकॉर्डिंग थर्ड टाइप है इंटीग्रेटिंग और बेटा फोर्थ टाइप है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है तो ये चार टाइप से हमारा क्लासिफाई है ये है। तो हमें एक एक करके पढ़ने हैं तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट चार टाइप से सब डिवाइडेड है तो पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक है अब नाम से पता लग रहा है इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है इंडिकेटर्स जो किसी भी चीज को इंडिकेट करते हैं तो कहता है वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो हम लोग डायलर या पॉइंटर यूज करते हैं ताकि वो हमें इंडिकेट करे कि उस पैरामीटर की वैल्यू क्या है उसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटिंग पैरामीटर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग अब रिकॉर्डिंग से पता क्या पता लग रहा है हम क्या करते हैं हम एक चीज को रिकॉर्ड करते हैं ठीक है जब उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जैसे हमने जीरो से लेके टेन सेकंड तक उसको परफॉर्म किया उसकी रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई जीरो से टेन सेकंड जाने के लिए उसमें एक फ्लो हो रहा है फिर हमने चेक किया 10 से लेके 20 सेकंड के लिए कितना जा रहा है तो फिर हमने चेक किया वो 1.5 एंपियर जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं इंटरवल्स पे और उन इंटरवल्स के हिसाब से हम उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं थर्ड होता है बेटा इंटीग्रेटिंग ठीक है अब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है जैसे 0 से 10 गए 10 से 20 गए 20 से 30 गए 30 से 40 गए

इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अब नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक बेटा मैकेनिकल मैकेनिकल पावर आ गई इंडिकेटिंग मतलब इंडिकेट करना इंस्ट्रूमेंट्स को मतलब इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का हुआ जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो और मैकेनिकल एनर्जी भी हो तो इनमें से हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्योंकि नाइनटी परसेंट इंस्ट्रोमेंट इसी बेस पे होते हैं ठीक है थीके?

ठीक है फिर उसको रिकॉर्ड किया कि कितनी वैल्यू फ्लो कर रही है मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं टाइम के हिसाब से ना कैलकुलेट कर रहे हैं रिकॉर्ड कर कर के के एक का जिस फेज फेज में में हमें चाहिए ना उस उस हम लोग क्या करते हैं हैं टाइम टाइम हिसाब से उसको क्रॉस चेक लेते कि उस टाइम के लिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है रेंडम वैल्यू लेते हैं पता है ना उसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी चीज को बार बार जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन है उसको जीरो से टेन सेकंड के लिए चलाया तो करंट आ रहा था वन एम्पियर मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया उसको मैंने सेकंड गैस में फिर उसको जीरो से सेकंड के लिए दोबारा चला के देखा फिर आया 1 .1 मैंने थर्ड गैस में फिर उसको रिकॉर्डिंग की जीरो से टेन सेकंड के लिए फिर आया वा, तो मैंने क्या किया इनकी एवरेज ले ली तीनों की तो जो इनकी ने नेट एवरेज आएगी वो मेरी क्या होगी पैरामीटर की वैल्यू होगी ठीक है बेटा ये होता है रिकॉर्डिंग का काम अच्छा नेक्स्ट अच्छा देखो इसको पढ़ रहे थे ना इक्ट्रो मैकेल इंडिक इंस्ट्रुमेंट अब नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक तो कहता है इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल क्या होता है है जो काम करवाता एबिलिटी टू डू वर्क तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा थोड़ा सा वर्क डन होता है कुछ मतलब पॉइंटर को मूव होने में हेल्प मिलती है तो पॉइंटर को मूव कौन कराता है मैकेनिकल एनर्जी ठीक है तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अब जो अब इन चारों में से सबसे मोस्टली यूज होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो हमें क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेटा फर्दर तीन टाइप का होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल फर्दर तीन टाइप का होता है फर्स्ट टाइप डिफ्लेक्टिंग अच्छा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग फोर्स नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग फोर्स और थर्ड इज डैम्पिंग फोर्स अब इलेक्ट्रोमेकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है तीन फोर्स हमें जरूरी है टाइप्स नहीं होते बेटा ये ये तीन फोर्सेस हैं जो इसमें अक्कर होती हैं ठीक है तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम तीनों फोर्स पढ़ेंगे ये होती क्या है ठीक है तो पहली डिफ्लेक्टिंग फोर्स ठीक है ये ये डायग्राम देखो सिंपल सा हमने क्या किया एक पॉइंटर लिया अब देखो ये एक स्केल होता है ठीक है जीरो से लेके बेटा टेन तक मान लो ये बीच में फाइव हो गया

वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग सिस्टम तो अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये पूरा क्या हो गया एक डिफ्लेक्टिंग सिस्टम जो कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है है ठीक बेटा नेक्स्ट अब डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती क्यों है तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स पहला कारण होता है मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण मैग्नेटिक <कुँँग> इफेक्ट के कारण अब हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है एक होता है हमारा साउथ पोल ठीक है ये मैंने यहां से एक करंट कोई ले ली इसमें करंट यहां पे फ्लो कर रहा है तो ध्यान से देखना क्या होता है जब भी हम करंट को पास करते हैं किसी भी कंडक्टर या किसी भी कोयल के अंदर मान लो इसमें से मैंने आई करंट पास कराया आई करंट मैंने पास कराया तो कभी भी जब हम करंट पास कराते हैं किसी भी कोयल के अंदर से तो वो क्या करता है वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट को एज्यूम कर लेता है ये कोई हमने लगाया नहीं है बेटा यहाँ पे ये एक इमेजिनरी है यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट कंसीडर कर लेता है ठीक है जब वो इनिशियली बार मैग्नेट को कंसीडर करता है तो जो सॉफ्ट आयरन पीस होता है जैसे वो कोयल के पास में आता है वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द पोल ऑफ द करंट कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसकी डिपेंडेंसी को देखते हुए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्रिएट हो जाती है कोयल के अंदर ठीक है इसे हम लोग कहते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हम इस कोई को मूव करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जब इस को कोई भी एक है हम उस को मूव करते हैं तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है पोल्स के कारण तो जब वो मूव होती है तो वहां पे क्या होता है करंट धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट करता है तो वहां पे एक फोर्स क्रिएट होती है अब जब आगे जाके पढ़ेंगे ना बेटा एम आई तो फोर्स दो टाइप से क्रिएट होती है

ये देखो बेटा फोर्स बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग कोइल पीछे वाले में खाली क्या था पीछे वाले में बेटा खाली कोइल थी ठीक है उस कोइल को हमने एज्यूम कर लिया कि वहां पे एक बार मैग्नेट है नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है नेक्स्ट में वो कह रहा है हमने परमानेंट बार मैग्नेट यहां लगा दी एक सेकंड होल्ड करना बेटा बस

एक कोयल थी और एक मैग्नेट था थर्ड केस आएगा फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग अब खाली क्या है दो है। अब खाली क्या है दो है तो जब दो कोइल होंगी तो क्या होता है हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था ना म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा हुआ है ना अगर एक वायर है इसके अंदर से करंट जा रहा है तो इसके पास में दूसरी वायर है तो जब बी में करंट फ्लो करता है तो CD में क्या होता है इंड्यूस्ड ई होता है अपोजिट डायरेक्शन में और जब इंड्यूस्ड ई होता है तो एक करंट एडी करंट क्या होता है एडी करंट जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होता है फेरेडे का लोग पढ़ा था ना तो सेम होता है जब दो करंट कैरिंग कोइल आपस में हम लोग करंट दो लो में मूव कराएंगे तो कहता है अगर एक

इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो अभी ये सब हमने क्यों पढ़ा ये सब हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें तीन चीजें पढ़नी है वो तीनों चीजें मैंने एक्सप्लेन की पहली चीज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है तो मूविंग कॉइल कब होता है जब एक मैग्नेट हो और एक कॉइल हो दूसरा हमने पढ़ा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मूविंग आयरन होता है जब खाली एक कॉइल हो और ये दो टाइप का था अट्रैक्शन और रिपल्शन तीसरा हमने पढ़ा जब कोई मैग्नेट नहीं है सिर्फ क्या है दो है। उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो ये अभी इनका इंट्रोडक्शन था हमें तीनों ने बेटा डिटेल में पढ़ने हैं पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कोइल एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ

सी कंट्रोलिंग टोर्क कंट्रोलिंग टोर्क क्या होता है बेटा वो कहता है कब भी कोई चीज ये पॉइंटर था हमारा ये हमारा स्केल था ये हमारा पॉइंटर था जीरो पे स्टार्टिंग में हमने इसको मूव करके यहाँ टेन पे लेके चले गए थे हम इसको मूव करके टेन पे लेके चले गए थे तो क्या कहता है देखो ये कहता है जब हम उसको टेन पे लेके गए तो देखो ये कहता है पहले वो जीरो पे था हम उसको मूव करके मैकेनिकल पावर लगाई डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगी क्या लगी डिफ्लेक्टिंग फोर्स ये मूव करके वहां चला गया लेकिन जब करंट फ्लो करना खत्म कर देगा तो दोबारा कहाँ आएगा बेटा अपनी इनिशियल पोजिशन पे आएगा तो इनिशियल पोजिशन पे जब टेंथ से दोबारा कहा आएगा अब जीरो पे तो कौन लेके आएगा वो कहता है इसको वापस लाने के लिए जो फोर्स लगती है उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग फोर्स जो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी इनिशियल पोजिशन पोजिशन कहाँ थी उसको दोबारा हमें बैकआउट किस पॉइंट पे लेके आना है तो टू मेक द इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटेड बाय द पॉइंटर पॉइंटर ने जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू मेजर की तो वहां एक फोर्स चाहिए होती है अपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स के अपोजिट लगती है डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ तो कंट्रोलिंग फोर्स कहां लगेगी नीचे की तरफ जो उसको कंट्रोल करेगी दोबारा कहा उसकी इनिशियल पोजिशन पे लाने के लिए उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग फोर्स कंक्लूजन क्या है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रोलिंग फोर्स ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगी बराबर अगर इक्वल नहीं होंगी बेटा तो पॉइंटर अपनी इनिशियल पोजिशन पे नहीं आ पाएगा तो पॉइंटर अपनी इनिशियल पे नहीं आ पाएगा ठीक है? अब इसी का है, स्प्रिंग अब वो कहते है कंट्रोलिंग फोर्स तो लगेगी अब कंट्रोलिंग फोर्स को हम लोग लगाएंगे कैसे तो वो लगाते हैं विद हेल्प ऑफ स्प्रिंग ये देखो हमने क्या किया हमने लिया हमने स्पिंडल लिया उसको दोनों तरफ से प्राइवेट में फिक्स कर दिया ठीक है ये हमारे प्राइवेट है ये जो लाइन है रेड वाली हमारी स्पिंडल है ठीक है इस हमने क्या किया ये रहे। ये हमने स्प्रिंग्स लगाए पे इस दो स्प्रिंग्स लगा दिए यहाँ पे हमने एक वेट लगाया बैलेंस करने के लिए ठीक है अच्छा अब क्या होगा ध्यान देखना बेटा जब करंट फ्लो करता है ना तो सबसे पहले क्या होता है ये जो स्पिंडल हमारा ये स्पिंडल रोटेट करना स्टार्ट करेगा जब ये स्पिंडल रोटेट करेगा उसके कारण क्या होगा ये, ये पॉइंटर तो रोटेट पे, पे तो फोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या रहे थे डिफ्लेक्टिंग टोर्स था दूसरा था हमारा कंट्रोलिंग टौर। कंट्रोलिंग कैसे कंट्रोल करते हैं विद हेल्प ऑफ स्प्रिंग हमने क्या किया डायग्राम देखना हमने दो स्प्रिंग लिए दोनों को स्पिंडल के साथ अटैच कर दिया अब जो स्पिंडल था उसको जेवल बेरिंग के साथ फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए अच्छा एक क्वेश्चन का भी यही पूछते हैं हमने जेवल बेरिंग क्यों की है जेवल बेरिंग का मतलब होता है बेटा देखो ये पोजीशन थोड़ा सा कट करके फिर उसके अंदर फिक्स करते हैं जिसे कहते हैं जेवल बेयरिंग क्यों करते हैं टू तो अवॉइड द फ्रिक्शन फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए अगर स्ट्रेट लगाएंगे ऐसे सीधे में लगाएंगे तो बेटा वहां पे फ्रिक्शन आ जाता है फ्रिक्शन एरर को हटाने के लिए किया है वो कहता है अब हमने दोनों स्प्रिंग को लगा दिया और स्प्रिंग होते हैं वो किससे बने होते हैं बेटा जो स्प्रिंग होते हैं ये ये किससे बने बने होते है? ये बने होते हैं हैं है याद रखना ठीक तो जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट होता है क्यों डिफ्लेक्ट होता है ये पॉइंटर क्यों मूव करेगा क्योंकि जो ये स्पिंडल है ये जो हमारे स्पिंडल था ये वाली ये ये, ये रोटेट करना स्टार्ट करता है इसके कारण ये पॉइंटर मूव करता है

इक्वल होती है किसके बेटा कंट्रोलिंग टॉर्क के या फिर इन अदर टर्म्स ऑफ फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द कंट्रोलिंग फोर्स ये दोनों हमेशा क्यों होनी चाहिए बेटा आपस में इक्वल ठीक है नेक्स्ट थर्ड दो फोर्स पढ़ ली हमने डिफ्लेक्टिंग पढ़ी जो पॉइंटर को ऊपर लेके जाने के लिए चाहिए नेसेसरी है कंट्रोलिंग जो नीचे लाने के लिए नेसेसरी है कैसे लेके आते हैं विद हेल्प ऑफ स्प्रिंग जो थर्ड फोर्स है बेटा वो है हमारी डैम्पिंग फोर्स ठीक है

से स्टार्ट करके तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है उसका टाइम क्या होगा हर बार इंक्रीज करता रहेगा जीरो से टेन में आने में उसका जो टाइम लगता है वो टाइम क्या होता है इंक्रीज करता है तो उस टाइम को फिक्स करने के लिए कि हर एक बार मान लो जीरो से टेन हर बार जा रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो वो ऑसिलेट ज्यादा करेगा कभी कम कभी तेज तो उसको कॉन्स्टेंट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डैम्पिंग फोर्स अब डैम्पिंग फोर्स जरूरी क्यों है वो टेन से मान लो नीचे आना था जीरो पे अब वो नीचे आने के लिए अगर पांच सेकंड ले रहा है पांच सेकंड तो ज्यादा हो रही ना हमें क्या करना है कि वो एक सेकंड में जैसी करंट बंद हो वो एक सेकंड में जीरो पे आ जाए तो उसको जल्दी से जल्दी दोबारा इनिशियल पोजिशन में लाने के लिए हमें किसकी जरूरत है डैम्पिंग डैम्पिंग फोर्स फोर्स की जरूरत है अब फोर्स ना बेटा हम तीन टाइप से क्रिएट कर सकते हैं पहली टाइप होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग विद द हेल्प ऑफ एयर सेकेंड होती है फ्लूड फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लूड और तीसरी होती है एडी एडी करंट करंट डैम्पिंग मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो होता है ठीक है तो तीनों डिटेल में पढ़ेंगे पहली देखो क्या है तो जो फर्स्ट टाइम आ रही वो है एयर फ्रिक्शन टाइप अब सेम ये हमारा स्पिंडल हो गया जो रोटेट करता है है स्पिंडल स्पिंडल से हमारा पॉइंटर कनेक्टेड होता है। जो स्पिंडल रोटेट करेगा तो पॉइंटर मूव करेगा और स्केल पे हमें वैल्यू दे देगा तो हम इसमें क्या करते हैं एयर फ्रिक्शन में हम एक पिस्टन यूज करते हैं दिस इज आर पिस्टन हमने एक पिस्टन यूज किया ठीक है एक सिलेंडर के अंदर अब ध्यान देखा उसमें कुछ नहीं है ये कहता है जो पिस्टन होता है वो कनेक्टेड है स्पिंडल के साथ जब इस पिस्टन को अगर हम लोग मूव करते हैं ऊपर या नीचे तो क्या होगा अगर मैं इसको ऊपर या नीचे मार्क मूव करूंगा तो तो क्या होगा बेटा ये स्पिंडल रोटेट करेगा तो स्केल वहां पे वेरी करके हमें वैल्यू दे देगा ठीक है तो कहता है जो पॉइंटर तो उसको हम लोग फिक्स करते हैं स्पिंडल के साथ तो जैसे ही पॉइंटर ऑसिलेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पिस्टन कहा जाएगा अंदर की तरफ और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पिस्टन कहा जाएगा बाहर की तरफ

और जब ऊपरी तरफ करूं तो एयर क्या हो जाएगी यहाँ तो हेल्प ऑफ एयर हम लोग सेम यही है सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रूमेंट अलग है बाकी सब कुछ सेम हमने क्या किया जो हमने पीछे किया था स्पिंडल पॉइंटर था हमने यहाँ पे एक डैम्पिंग मैग्नेट लगा देते हैं एक डैम्पिंग मैग्नेट हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिस्क और कौन सी डिस्क यूज करते हैं एल्यूनियम डिस्क तो जो एल्यूमियम सर्कुलर डिस्क होती है उसको हम लोग स्पिंडल के साथ फिक्स कर देते हैं ये जो डिस्क होती है ना ये मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कब जब परमानेंट मैग्नेट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ये परमानेंट मैग्नेट था हमारा तो क्या करेगा यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो जो एल्यूनियम डिस्क होती है ये ये रोटेट रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। ये रोटेट होना स्टार्ट स्टार्ट हो हो जाती जाती है है डिस्क अब इस डिस्क से क्या कनेक्टेड है बेटा ये स्पिंडल कनेक्टेड है

किस किस कारण होते हैं तीन फोर्स लगती है पहली फोर्स होती है डिफ्लेक्टिंग दूसरी होती है कंट्रोलिंग तीसरी होती है डैम्पिंग फोर्स ठीक है सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से तीन टाइप होते हैं मूविंग कॉइल मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट और डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट अब हमें तीनों डिटेल में पढ़ ठीक है हम पहले से स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला है वो हमारा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोईल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोईलसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल ध्यान से देखो बेटे होता क्या है पहले हम इसी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं अच्छा एक चीज जरूर ध्यान रखना मैग्नेटिक कोईल मूविंग कोईल जो होता है वो खाली डीसी के लिए यूज होता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका कि जो मूविंग कोईल होती है वो सिर्फ किसके लिए यूज होती है डीसी के लिए एसी के लिए यूज नहीं होती अब देखो हमने क्या किया हमने एक परमानेंट मैग्नेट लिया ये हमने एक परमानेंट मैग्नेट लिया दिस आर दिस आर आर नॉर्थ पोल पोल साउथ बीच हमने क्या लिया देखो परमानेंट मैग्नेट लिया पीएम एमसी स्टैंड फॉर मूविंग कोइल एक बीच में हमने क्या ले ली बेटा मूविंग कोईल तो उसके अंदर हमने हमारा कोर लिया कोर किससे बना होता है एल्यूमिनियम से ठीक है हमारा scale है. अच्छा, देखो, अभी कहते है, हमने क्या किया जो हमारी कोयल थी उस कोयल को वाउंड करते हैं एल्यूमुनियम फॉर्मर के साथ जो की स्पिंडल से कनेक्ट है तो स्पिंडल को सपोर्ट कहाँ से मिलता है ज्वेलर बेयरिंग से दो स्प्रिंग लगा दिए टर्मिनल जो है मूविंग कोईल का उसको हम लोग स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया तो जो करंट होगा वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा